अलीगढ़ भारतीय हरदल किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी अलीगढ़ को सौंपा। आपको बता दें कि सितंबर माह में हुई अधिक बरसात के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई है। उक्त फसलों के निरीक्षण हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशील नहीं है। उक्त फसलों के नष्ट होने का निरीक्षण राजस्व विभाग, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार इत्यादि द्वारा खेतों पर जाकर किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जनपद के किसानों की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और किसानों को समय पर डीएपी उपलब्ध कराई जाए, डीएपी की कालाबाजारी रोकने की मांग की है। मेरा नाम अमित भारद्वाज है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय हरदल किसान यूनियन से। किस तरह की डिमांड लेके आए हैं, क्या मांग है? हमने आज किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन संबोधित करते हुए दिया है, जो हम जिलाधिकारी जी महोदय को देना जा रहे हैं। और समस्याओं में पिछले इसी माह में सितंबर माह में जो भारी बारिश हुई है उसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है और उसमें अभी तक पटल पे काम नहीं हुआ है प्रशासन द्वारा, तो हम उसमें मांग करते हैं कि लोग को उचित से उचित मुआवजा मिले। और इसके साथ ही इस समय जो डीएपी की किल्लत है ज़िले के अंदर और उसकी भी आपूर्ति में जो कालाबाजारी जो हो रही है उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है, इससे जिससे कि जो कालाबाजारी हो रही है उन पर रोक लगे और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन किसको संबोधित करना है? माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने ज्ञापन दिया है किसानों ने, क्या समस्या है? ये भारतीय हरदल किसान यूनियन अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित दिया गया है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो अभी हाल के दिनों में बारिश हुई है उसमें डीएपी की किल्लत हो गई है जनपद में, उसी के भुगतान के लिए, उसी की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे, एक ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, यथाशीघ्र वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ठीक।